नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं यह ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यह ईडी है इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीबीआई। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। अभी तक आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और उन पर कोई ना कोई आरोप लगाने के लिए ईडी सीबीआई मिलकर काम कर रही थी। ईडी सीबीआई की बात कही जाए तो एक छानबीन में लगा था और एक पूछताछ में लगा था। कई घंटों की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि शराब नीति के मामले में भ्रष्टाचार करने वाले मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जेल में ही रहना चाहिए। उनकी संपत्ति को काला धन भी बताया गया। यहां पर कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए, संजय सिंह पर लगाए गए, लेकिन अब यहां पर एक नया मोड़ तब आता है जब ईडी के अधिकारियों को धर दबोचती है यहां पर सीबीआई। सीबीआई यहां पर बेनकाब ईडी के अधिकारियों को करती है, जिसके बाद यहां पर यह दिखाई दिया जाता है कि तो लड़ाई जो लड़ी जा रही थी यहां पर क्या जानबूझकर फंसाने की थी, क्या यहां पर जानबूझकर आम आदमी पार्टी को एक तरीके से हराने की थी। आपको बता दें कि यहां पर ईडी का असिस्टेंट 5 करोड़ की अगुवाही में पकड़ा गया और किसी ने नहीं पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा है। और यहां पर यह अगुवाई तब हुई जब यहां पर एक नई शराब नीति में एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता हुआ नजर आ रहा था उसे बचाने की कोशिश यहां पर ईडी कर रहा है। मनीष सिसोदिया को तो यहां पर फंसाने के लिए कई हटकंडे आजमाए गए। यहां पर उनके फोन को यह कहा गया कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया ने नष्ट कर दिया। यहां पर मनीष सिसोदिया पर कई आरोप लगाए गए। अब ऐसे में संजय सिंह इसी ईडी का पर्दाफाश करते हुए कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। पिछले एक साल से एक तथा कथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है, एक मनगढ़ंत घोटाला, एक काल्पनिक घोटाला, जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच चल रही है, जांच पे जांच चल रही है, फिर जांच चल रही है, फिर जांच पे जांच चल रही है एक साल से। और बार बार ईडी अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है, कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के चेहरे को बेनकाब करने का काम आपके सामने किया है। मैंने बताया कि किस तरीके से चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ के उसको मारपीट करके उसका स्टेटमेंट लिया गया। मैंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को धमकाया गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि कैसे ईडी ने झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के सारे फोन अपने पास रख के यह कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया। और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थी वो पूरी तरीके से सच थी, ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी,
जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं ये ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये ईडी है इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ईडी ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप ढल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है, यही कर रहा है ईडी पिछले 1 साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी का फोन तोड़ दिया, कभी का 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी ये स्टोरी, कभी वो स्टोरी, और पूरे देश में ये सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा है ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। ये ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ये बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुंडागर्दी का विंग है, ये एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला, कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पर रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा, ये ईडी के अधिकारी करें क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोका। विधायकों को तो मिलता है 50 खोका, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। अरे ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया, बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं, यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये, 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था?
ये पैसा किसको किसको गया, ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। यह डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। यह खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है, जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का। यह तो एक मामला खुला, इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही एक साल से चल रहा है, एक साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा, भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापे मारी, दफ्तर पे छापे मारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। यह पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के। अब यहाँ पर संजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने किस कदर यहाँ पर कहा कि मुझे भी फंसाने के लिए चार्जशीट में मेरा नाम भी दाखिल किया गया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर तह तक जांच की और कोर्ट में जाने की बात कही तो यहाँ पर यही ईडी के अधिकारियों ने मुझसे बकायदा माफी भी मांगी। अब ऐसे में देखा जाए तो अब उनके ही पर्दाफाश हो रहे, एक्सपोज हो रही है ईडी के अधिकारी। तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता है कि मोदी के इशारों पर काम करने वाली ये ईडी अब ज्यादा दिनों तक यहाँ पर झूठ नहीं फैला सकेगी, झूठे आरोपों में लोगों को नहीं पकड़ सकेगी, ऐसा यहाँ पर संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, जब यहाँ पर अब ईडी के अधिकारी ही बेनकाब हो रहे हैं, ईडी के अधिकारी ही भ्रष्ट नजर आ रहे, तो ऐसे मामले में अब क्या कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जांच हो रही थी? मनीष सिसोदिया को यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले में ही फंसाया गया, ये जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया, क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।